And this is the second section of the chapter including the stories titled The Tsunami. In this section, this is the story of 10-year-old Tilly Smith, who saved her family and many other tourists from the deadly tsunami. She was on the beach of Thailand with her family celebrating Christmas. She saw the waves rising, forming bubbles and whirlpools. She remembered her geography lesson, which she had studied just 2 weeks ago. She had seen videos on tsunamis, thus she could easily make out that it was tsunami. She screamed and asked her family to run. They all ran and took shelter on the third floor of their hotel, and thus their lives were saved. Tilly Smith, to a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Though she had won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? टीली स्मिथ जो एक 10 वर्षीय लड़की है, स्कूल छात्रा, विद्यालय की छात्रा है, और वह उसने बहुत सारे लोगों के जीवन उसने बचाए थे जब सुनामी थाईलैंड के फकेट नामक समुद्र तट पर सुनामी आई थी। हालांकि उसने बहुत सारे इनाम इसके नाम पर जीते हैं। इसके माता पिता अपनी बेटी को अनुमति नहीं दिया है कि कोई टीवी पर इसका साक्षात्कार उसका कोई लिया जाए और उसे एक वीरांगना बनाया जाए। तो आप क्यों सोचते हैं कि उनके माता पिता ने ऐसा क्यों निर्णय लिया? तो नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। द स्मिथ family from Southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. Tilly Smith was a 10-year-old school girl. Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. अब यहाँ थाईलैंड की एक कहानी है कि Tilly Smith दक्षिण पूर्व इंग्लैंड से आए थे और दक्षिणी थाईलैंड के समुद्र तटीय स्थल पर क्रिसमस पर्व मना रहे थे टेली परिवार के लोग। तो टेली स्मिथ 10 वर्षीय स्कूल छात्रा थी और उसकी बहन 7 वर्ष की थी। उनके माता पिता पेनी और कॉलिन स्मिथ थे। तो 26 दिसंबर 2004 डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर डैट मॉर्निंग। 26 दिसंबर 2004 को ही यह घातक सुनामी की लहरें पहले से ही अपने रास्ते में थी और उस सुबह बहुत पहले ही उत्तरी सुमात्रा से एक बहुत बड़े भूकंप के द्वारा यह उत्पन्न हुई थी वे लहरें।
सुनामी की लहरें, the water was swelling and kept coming in. Penny Smith remembered. The beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening. पानी तो फूल रहा था और अंदर आ रहा था. पानी फूलता रहा और अंदर आ रहा था. तो पेनी स्मिथ को इस तरह याद है कि समुद्र तट छोटा से छोटा होते जा रहा था. घटते जा रहा था समुद्र तट, और समुद्र तट को ये फूलता हुआ पानी अपने आगोश में लेता जा रहा था. तो मैं नहीं जानते थे कि यह क्या हो रहा है. बट टिल स्मिथ सेंस डैट समथिंग वॉज रॉन्ग. हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली. लेकिन टिल स्मिथ ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है. इसकी उसका दिमाग ज्योग्राफी लेसन, ज्योग्राफी के एक पार्ट है की तरफ जा रहा था. यस, ज्योग्राफी पार्ट उसने पढ़ा था इंग्लैंड में 2 सप्ताह पहले क्लास में. जो ज्योग्राफी लेसन उसने क्लास में लिया था 2 सप्ताह पहले अपने परिवार के साथ थाईलैंड उड़ान भरने के पहले, थाईलैंड हेतु उड़ान भरने के पहले 2 सप्ताह पहले अपने स्कूल के कक्षा में इंग्लैंड में उसने ज्योग्राफी पार्ट का अध्ययन किया था. उसने उस ज्योग्राफी पार्ट की तरफ उसका दिमाग बार बार जा रहा था. टिली सो द सी स्लोली राइज स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म द होल पोल. शी रिमेंबर डैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी डैट हैड हिट द हवाइन आइलैंड्स इन 1946. हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम डैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स. टिली ने समुद्र को धीरे धीरे उठते हुए देखा, इसमें झाग पैदा होते हुए देखा कि झाग पैदा हो रहे हैं, झाग का पैदा होना शुरू हो रहा है, और बुलबुले बुलबुले भी पैदा हो रहे थे, बुलबुले भी निकल रहे थे, और भंवर भी बन रहे थे उसमें. तो टीले को याद आया कि उसने एक सुनामी का वीडियो क्लास में, इस तरह का वीडियो मैंने देखा था सुनामी का, जो सुनामी हवाई द्वीप पर 1946 को वो सुनामी आए थे, जो उसके ज्योग्राफी टीचर ने उसे दिखाया था यह क्लास वीडियो सुनामी का, और उन्हें बताया था कि यह सुनामी भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन के द्वारा यह सुनामी बनती है, सुनामी पैदा होती है. टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच. शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी. शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टोरिकल, सेड हर मदर पेनी. आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन. समुद्र तट से भागने के लिए अपने परिवार को चिल्ला करके कहना उसने शुरू किया कि भागो. यह तो, और उसने बताया कि समुद्र के नीचे भूकंप के बारे में उसने बताया, और इसके बाद वह और से अधिक उत्तेजित हो गई. तो उसकी माँ पेनी ने कहा कि मैं तो नहीं जानते थे कि सुनामी क्या होती है,
लेकिन अपनी बेटी को इतना भयभीत देखकर मैंने सोचा कि कुछ गंभीर बात जरूर होने जा रही है। टीलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। देन इट वॉज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। आई वॉज स्क्रीमिंग रन। टीले के माता पिता ने उसे उन दोनों बहनों को लिया, उसे और उसकी छोटी बहन को ले गए समुद्र तट से और होटल के स्विमिंग पूल में ले गए, स्विमिंग पूल के पास। और दूसरे अन्य बहुत सारे यात्री भी उस समुद्र तट को छोड़ दिया उन दोनों के साथ, उन सबों के साथ। और तब ऐसा हुआ, ऐसा मानो कि सारा समुद्र उनके पीछे आ गया हो। तो मैं तो चीख रही थी कि भागो भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। परिवार ने तो होटल के तीसरे मंजिल पे शरण ली। और ये इस बिल्डिंग ने, इस भवन ने, इस होटल के भवन ने सुनामी के लहरों के, 3 सुनामी के लहरों के झटके बर्दाश्त किए इसने, इस भवन ने। अगर इन लोगों ने, ये लोग अगर समुद्र तट पर रहे होते तो ये लोग भी जीवित तो नहीं रहे होते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन दे हैड बीन फॉरवॉर्न्ड। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। स्मिथ बाद में अन्य ऐसे यात्रियों से, टिली परिवार मिले, जिन्होंने अपने परिवार, बहुत सारा का सारा परिवार खो दिया था। तो टीली और टीली के ज्योग्राफी लेसन को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन लोगों को पहले ही चेतावनी मिल गई थी, यही चेतावनी दे दी गई थी। और टीली अपने विद्यालय, इंग्लैंड के अपने विद्यालय में वापस आई और इस भयावह कहानी को अपने सहपाठियों से बताया। तो कंप्रिहेंशन चेक, आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड सेटिस्फाई यू बाय आंसरिंग दिस क्वेश्चन इन कंप्रिहेंशन चेक। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। टिलीज फैमिली came to Thailand to celebrate Christmas. Second question, what were the warning signs that both Tilly and her mother saw? The sea was slowly rising and started to forming bubble and form whirlpools. These were the warning signs that both Tilly and her mother saw. Do you think Tilly's mother was alarmed by them? Question number 3. Do you think Tilly's mother was alarmed by them? No, Tilly's mother was not alarmed by them. She couldn't understand what was happening. So where did Tilly see the sea baby behaving in the same strange fashion? So Tilly had seen the sea behaving in the same strange fashion in her geography class in a video on tsunami
that hit the Hawaiian Islands in 1946. Where did the Smith family and the others on the beach go to escape from the tsunami? The Smith family and others on the beach went to the third floor of the hotel to escape from the tsunami. Number six, how do you think her geography teacher felt when he heard about what Tilly had done in Phuket? I think her geography teacher must have been proud of Tilly when he heard about what he had done, what she had done in Phuket. This is the end of the section 2.